कम समय में रकम दोगुने से ज्यादा करने के क्रिप्टो करेंसी में निवेश के झांसे में आकर बीएसपी के पूर्व अधिकारी और चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग के एचओडी ने कुल 1.84 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम से हाथ धो लिया। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्रांतर्गत मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर लिपि चक्रवर्ती का है। जो साइबर फ्रॉड में पिछले 2 दिनों में एक अपराध आए हैं, उसमें एक जो चंदूलाल चंद्राकर में एक डॉक्टर लेडी हैं, उनकी तरफ से एक शिकायत आई हुई है कि उनके ऑनलाइन उनसे बातचीत करके क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे उनसे पैसा लिया गया और कई बार 58 लाख रुपए का उन्होंने उसमें निवेश किया। और जब पैसा निकालने की बात आई तो पैसा निकलना नहीं हुआ और निकालने के लिए और पैसे डिमांड किए गए कि इतना आप टैक्स के नाम पे कर पहले जमा करो तो होगा। तो उन्होंने डाउट होने के पश्चात करीब 8-10 दिन में उन्होंने उतना पैसा निवेश किया। उसके पश्चात उन्होंने आके सेक्टर 6 थाने में अपना अपराध दर्ज कराया। उस पर अपराध दर्ज करके विवेचना जारी है और जल्दी उसमें वाजिब कार्रवाई की जाएगी। धमतरी जिले में जमीन और पैसों की लालच में 2 कलियुगी बेटों के द्वारा अपने अपने पिता का हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों मृतकों के बेटों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपी आपस में दोस्त हैं, सभी ने हत्या में एक दूसरे का सहयोग किया है। डीएम से परमिशन लेके कब्र को खोदा गया है, उसके बाद उसका परीक्षण भी किया गया है, उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। 100 की अस्थि बरामद हुई, एक को दफनाया गया था और एक को जला दिया गया था। चारों आरोपी पूनम चंद पटेल जो है ये है सिवनी कला के, और सुदामा देवांगन जो है ये है बकली के, ये बकली के हैं, ये हाँ ये लोग बकली के हैं वो, और ये सिवनी कला वाले का नाम पूनम चंद पटेल है। उनके सहयोगी सुदामा देवांगन, मिथिलेश देवांगन, हरीश साहू थे। इसमें धारा 302, 201 और 120B 34 लगी थी। मारने के लिए गमछे से गला दबा के मुँह दबा के मारा गया था। राजनांदगांव के सोमनी पास ग्राम सोमानी के पास धीरी ईरा ग्राम की जल परियोजना शुरू से विवाद में रही है। इस परियोजना में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 24 गांव को पानी नहीं मिला था। इसके बाद कई अधिकारियों की जांच की गई, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। श्रद्धा राइस मिल द्वारा धीरी जल परियोजना में गंदा पानी छोड़ने के कारण रमन सिंह ने आदेशित किया है कि श्रद्धा राइस मिल को बंद कर दिया जाए। धीरी जल समूह जो है एक योजना थी जिसमें 24 गांवों का पानी उसमें जाता था, उसमें एक राइस मिल जो है उसका गंदा पानी वहां पे उस धीरी पे जो है ना गया, उसके कारण से उसमें स्मेल काफ़ी आई है, तो उस राइस मिल को अभी बंद किया गया है। तो पानी की एज सच बहुत प्रॉब्लम नहीं है उन गांवों में, लोकल लेवल से वहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है। बांदे में शासकीय शराब दुकान के पास महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले 2 आबकारी निरीक्षकों को कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आबकारी निरीक्षक ओम प्रकाश साहू और संदीप सहारे के द्वारा बांदे में शासकीय शराब दुकान के पास महिलाओं से दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ था। रायपुर की पुलिस निजात अभियान चला रही है। इस निजात अभियान में जन सहयोग भी बढ़ चढ़कर मिल रहा है और पुलिस मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों को भी इस अभियान के तहत अरेस्ट कर जेल भेज रही है। आज फिर पुलिस ने मादक पदार्थ बेचने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 लाख रुपये कीमत का 10 किलो अवैध गांजा जब्त कर नारकोटिक्स एक्ट की धारा 20B का अपराध दर्ज किया गया है। थानागंज अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 में 10 किलो गांजा बरामद किया गया है 2 व्यक्तियों के पास से। पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर संदिग्ध लोग हैं, उनके पास नशे का सामान है। इस आधार पर क्राइम की टीम, थाने की टीम संयुक्त रूप से पहुंची, 2 लोगों को पकड़ा गया, उनके बैग को चेक किया गया तो 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये गांजा उड़ीसा क्षेत्र से ला रहे थे, जिसके दोनों महोबा के रहने वाले हैं, एक का नाम है मनीराम कुशवाहा, दूसरे का नाम त्रिमोद कुशवाहा। इन दोनों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, कानूनी कार्रवाई।